इस वीडियो में हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस की बेसिक टेक्निक कवर की है। अगर आपको मिनिमल पावर का यूज करके और थोड़ी सी अलर्टनेस दिखा के एंड सेकंड थिंग, अगर कोई आपको आपके बालों से ग्रिप कर लेता है तो उस टाइम पे आप कैसे बचोगे, तो उनका यूज करना आ गया तो आप आसानी से ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो जिसमें आप या तो आपको किसी ने या लाइक कोई आपका बैग को ग्रिप कर लेता है तो उस टाइम पे आप कैसे खुद को बचा सकते हो। ये दो सिंपल सिचुएशन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो मैं अभी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगी कि मान लो कोई भी आपका बैग, आप नॉर्मली कहीं जा रहे हो और उस टाइम पे स्कूल गोइंग गर्ल है, तो ऐसा होता है कि कई बार शिशोरे लड़के या फिर ऐसे सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे लोग मतलब कोई आपको बैग से ग्रिप करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे आप कैसे खुद को बचा सकते हो उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। नाउ अभी आप देख सकते हो कि इस लड़के ने इस लड़की का बैग पकड़ा है, ये छोटी बच्ची है तभी हमने इस बच्चों को लिया है क्योंकि स्कूल गोइंग गर्ल, इतने छोटे बच्चे भी आराम से इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई पीछे की तरफ खींचता है, ग्रिप करता है बैग को, तो आप सबसे पहले अपने बैग को टाइटली होल्ड करोगे, होल्ड बैग टाइटली, उसके बाद आगे की तरफ झुकोगे, झुको ताकि सामने वाला इम्बेलेंस हो जाए। तो उसके बाद अभी आप ऊपर उठ के टर्न करोगे, टर्न उसके हाथ को ग्रिप करोगे क्लोज अप। अब इसके बाद ऑपोजिट हैंड से उसकी नेक को पकड़ोगे, नीचे की तरफ पुल करोगे एंड नी अटैक, नी, अभी नी स्टॉप। अभी एक बार फिर से हम लोग दिखाएंगे कि आप ऐसे हैंड लॉक कैसे करोगे और हमने क्यों किया था। जब भी आप यहाँ से किसी को लाइक कोई आपको अटैक कर रहा है, आप इसका ऐसे होल्ड कर लोगे तो इंसान उसकी पावर सारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से ग्रिप अगर आपने अच्छे से कर लिया तो सामने वाला इस हाथ का यूज नहीं कर पाएगा। और उल्लू को लोग कैसे लगाओगे, सबसे पहले आगे की तरफ झुकना है, उसके बाद टर्न, तो देखो ये ऐसे ग्रिप किया है, ऐसे ग्रिप अच्छे से हो गया, उसके बाद उसकी गर्दन को पकड़ोगे, नीचे की तरफ झुकाओ और डेथ पॉइंट यूजली यहाँ होता है, या तो आप वीक पॉइंट पे हिट करोगे या फिर डेथ पॉइंट पे हिट करोगे। तो अभी ये डेथ पॉइंट पे हिट करेगी, उससे उसका बैलेंस खराब हो जाएगा एंड रन, फर्स्ट सिचुएशन रन। अगर यहाँ से आप बच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार लोग लाइक दिस इज नो समथिंग कि आप इससे आसानी से बच जाओगे, तो हो सकता है आप आपका पीछा करें। वो सेकेंड टाइम वो बैग से बच चुकी है, तो सेकेंड टाइम वो ट्राई करेगा कि बाल, क्योंकि बाल बहुत सेंसिटिव चीज है, जितनी अच्छे से आप उसको होल्ड कर सकते हो तो सामने वाला वीक पड़ेगा। तो सेकेंड सिचुएशन में कोशिश वो करेगा कि वो उसके बाल पकड़ सके, तो उस सिचुएशन में कैसे बच सकते हैं तो उसी का अभी आप देखोगे। तो अगर किसी ने आपके बाल ऐसे होल्ड कर रखे, मतलब एकदम से आपको पीछे से पकड़ रहा है बालों से, तो आप सबसे पहले अपने बालों को होल्ड करोगे ताकि आपको पेन कम हो, उसके बाद टर्न और आप पाम से हिट करोगे उसके जो ज्वाइंट पे, जो पे हिट करोगे सबसे पहले बार स्पाइन पूरा बैलेंस खराब हो जाएगा और एक काफी अच्छा पावरफुल अटैक है अगर आप उसको डिफेंड करो। तो नाउ नेक्स्ट वन अटैक, ऐसे अटैक करके आप उसको नीचे गिरा सकते हो। अभी आपके पास ऑप्शन है कि जब भी आप सामने वाले को अटैक कर रहे हो, या तो आप उसके नी ज्वाइंट पे अटैक करोगे, जैसे आप उसके नी ज्वाइंट पे अटैक करोगे वो बैलेंस करके नीचे गिर जाएगा, तो आपके हाथ में जो कुछ भी हो, बैग है, वाटर बॉटल है, टिफिन है, कुछ भी है, हिट करो और भाग जाओ, ये सिंपल सी ऑप्शन है आपके पास। या फिर उसके वीक पॉइंट पे हिट करो, वीक पॉइंट पे हिट करोगे उसकी ग्रिप अपने आप लूज हो जाएगी, उसके बाद आपको वहां से भागना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये आज की वीडियो हमने सेल्फ डिफेंस के ऊपर बनाई थी, होप ये अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच सके। हो सकता है किसी को कभी भी इस टेक्निक की जरूरत पड़ सकती है, सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई यूजर आई डी इज amandeep.rajput.75। And you can join my live classes if you want to join. Just let me know in the comment section that you want to join. And please let me know in the comment section ki next video meko kis topic pe banani chahiye. And that's all for today's video. See you soon in the next video. Till then, stay safe, stay alert. Bye-bye.